आज नेताजी का जन्म दिवस है और समाजवादी पार्टी में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जितना वो सजग रहे हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उतना किसी अन्य दल में कोई नहीं है या फिर मैं कहूँ कोई राजनेता भी नहीं है। तो उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं के अधिकार के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए और इस सरकार को हटाने के लिए आज महिलाओं ने ठाना है कि हम साइकिल यात्रा निकालेंगे। 2022 में क्या तैयारियां हैं आप, तो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से विजय प्राप्त करें? 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। जनता नाराज है, जनता इस सरकार की संवेदनहीनता से नाराज है, अराजकता से नाराज है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं और साथ ही सरकारी तंत्र की एक संवेदनहीनता, एक अत्याचारी रूपी छवि जो है वो जनता को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे गई है। ये नाम बदलने वाली और रंग बदलने वाली सरकार है और आज नेताजी के जन्मदिवस पे हम सब इसी में लक्ष्य की प्राप्ति में लगे कि अपनी सरकार बनाएंगे। नेताजी के 22वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं और नवयुवकों का, जिस तरह से नौजवानों का नेताजी के प्रति विश्वास है, वो उत्साह आज सड़कों पे उतर के आया है। हम हार्दिक बधाई देते हैं अपने नेता को, समाजवादी पुरोधा को, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। साइकिल यात्रा निकाली है, कई लड़कियां भी साथ में हैं आपके यहाँ पे, जिस तरह से आप देख रहे हैं हजारों का हुजूम, लड़कियाँ और जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब सड़कों पे निकल आए हैं। कहीं ना कहीं ये नेताजी की विचारधारा से ओतप्रोत है और आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती देख रहे हैं।